हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडिस्टार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राई कफ ट्रीटमेंट विथ फीवर। इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है सूखी खांसी आने की जो है पेशेंट देखे जा रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही हैं कि काफ़ी लोगों को सूखी खांसी आ रही है, साथ में फीवर है, जुकाम वगैरह भी है। तो एक व्यूअर हमारे कमेंट भी किए थे कि सर जो है ड्राई कफ ट्रीटमेंट बताइए, तो उनके डिमांड पर यह वीडियो आ चुकी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आज आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, और अगर आपका भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, उसके ऊपर जितनी जल्दी हो सकेगी वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी की। सिंपल, यहाँ देखिए जो भी ट्रीटमेंट लिखा गया सब नॉलेज पर्पज के लिए है। बेसिकली एक एंटीबायोटिक देना होता है तो उसमें सबसे बेहतरीन एंटीबायोटिक होता है मॉक्सिकाइंड CV-625। ये एडल्ट के लिए बता रहे हैं, किसी जो है बच्चे पर ट्राई ना करिएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मॉक्सिकाइंड CV। इसमें जो है एमासिसलिन पोटेशियम क्लाउनेट पाया जाता है, 625 mg का होता है। BD देंगे, 5 डेज तक इसको दे सकते हैं। पेन वगैरह बॉडी में हो रहा है उसको कम करने के लिए टैबलेट 0 डाल P, मतलब इसमें असिक्लोफेनाक पैरासीटामॉल होता है, इस कम्बिनेशन का किसी भी नाम से ले सकते हैं। BD देंगे, 5 डेज तक इसको भी दे सकते हैं। बुखार वगैरह चढ़ता रहता है उसके लिए टैबलेट कालपाल 500, इसमें पैरासीटामॉल 500 mg होता है, इसको OD देंगे, मतलब दोपहर में देना है, 5 डेज तक इसको भी दे सकते हैं। एंटी हिस्टामाइन के तौर पे उसको जो है मोंटिकोप देंगे, सबसे बेहतरीन रिजल्ट है। इसमें जो है मोंटिलुकार लियोसेट्रिजिन पाया जाता है, OD देंगे, 5 डेज तक इसको भी दे सकते हैं। एक कैप्सूल आता है PPI, मतलब प्रोटोन पम्प इनहिबिटर, में आप पेंटोप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल दे सकते हैं, इसको जो है 5 डेज तक इसको भी दे सकते हैं OD के हिसाब से। बेटनिसार टैबलेट, इसमें बीटा मेथासोन पाया जाता है, स्टेरॉयड है, इसको भी BD 5 डेज दे सकते हैं। और साथ में एक सिरप आता है अस्थाकाइंड DX, इसमें बेसिकली डेक्सट्रोमेथोरफन है, मतलब आप ऐसा सिरप लेंगे जिसके अंदर डेक्सट्रोमेथोरफन पाया जाएगा, आप उसी को देंगे, मतलब साथ में कुछ अन्य कम्बिनेशन भी होता है, बट मेन जो फार्मूला होता है जो इसमें कम्बिनेशन डाला जाता है डेक्सट्रोमेथोरफन होता है। तो अगर आप किसी को जो है ड्राई कफ है तो उसको डेक्सट्रोमेथोरफन वाला ही सिरप देंगे। ओके, कोडिस्टार इत्यादि भी आता है, उसमें डेक्सट्रोमेथोरफन नहीं है, बट वो भी जो है सूखी खांसी में काम करता है, लेकिन जो है 70-80% में डेक्सट्रोमेथोरफन ही चलाया जाता है। उसको जो है 5 ml TDS देंगे 5 डेज तक। इतना काम अगर आप करेंगे तो जो ड्राई कफ था, फीवर था, सब कुछ आराम मिल जाएगा। और कोशिश ये करें कि उसको जो है ठंडे चीज़ का सेवन ना करने दें जो पेशेंट हैं। आई होप सब कुछ क्लियर हुआ होगा, फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।